सीताराम, बेटा इलायची देना, इलायची। ठीक से बैठ जाओ। कहाँ से हैं आप? यही बड़ौदा से ही हूँ और वाराणसी से आई हूँ और 4 बजे से आके बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना था बस। और बिल्कुल पूरा यकीन था कि आप हमको बुलाएंगे और बुलाएंगे ही। और मैंने उनको बोला भी था कि देखना आप ही मुझे बुलाएंगे, तो मेरी अर्जी स्वीकार हो गई। बालाजी बहुत सुनते हैं, वो बहुत दयालु हैं। बिल्कुल। और आप जब से आपके वीडियोस देखे हैं, जब से आपके मतलब सुना है प्रवचन, तब से बस यही था मन में, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं घर पे, तब से यही था कि आप एक बार यहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे तो हम पता नहीं कब जाएंगे, बट एक बार यहाँ पे आ जाओ, आपसे मिलना है, यहाँ पे आ जाओ। आप आ ही गए सच में। इसमें हमारे कमलेश जी और अध्यक्ष जी की भूमिका है। कमलेश जी गए, उन्होंने जबरदस्ती लड़ करके कहा कि एक दिन के लिए आइए। नहीं बिल्कुल, अभी यहाँ पे वो बालाजी का मंदिर भी बन रहा है, तब भी आना। अच्छा, हाँ हाँ, आज हमें पता लगा मेहंदीपुर बालाजी वाला। जी जी जी। हाँ, हाँ, वो आज आए थे, कह रहे थे आपको आना है, बनाएंगे। पूछो क्या प्रश्न। जी ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, बस आपके दर्शन करने थे, वो दर्शन हो गए तो बस सब कुछ मिल गया। कोई प्रश्न नहीं, पढ़िए। घर पर कृपा रहेगी, कोई अर्जी नहीं है, घर पर भी मिलने की अर्जी लगाई, ना कोई प्रश्न बोलेंगी, ना कोई प्रश्न लेकर आई है, केवल कृपा चाहती हैं। बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय। हमारा पर्चा भी यही कह रहा है। बिल्कुल सही है। सीताराम सीताराम जी, आपके लिए प्रसाद स्वीकार करो। हाँ। सच्चे दिल से लाया। बिल्कुल, मेरे जीजा जी हैं, बहनें हैं, वो भी मतलब वो बालाजी को ही मानते हैं, सिर्फ उनको यहाँ से हाथ दिखा दीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल, वो मेरे जीजा जी हैं, वो भी बिल्कुल बालाजी सरकार के ही है, कितनी वो बहुत मानते हैं। हम लोग 4 बहनें हैं। पढ़िए। नया कार भी कृपा होगी, 4 बहनों पर भी कृपा होगी, बालाजी के ये भी भक्त हैं मेहंदीपुर वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कृपा चाहिए बस आपकी। साधु जी खूब करुणा करें। और समाधि वाले बाबा का आप जलेबी का प्रसाद दे देना जाते ही, क्योंकि आपने पिछली बार बोला था तो वो पहुंचा नहीं है अभी, तो आप घर पे लगा देना उनका। और समाधि वाले बाबा बीच में आए थे तुम्हारे यहाँ, और वो जो नाग बनकर के एक बार हुए ही थे, वो कोई और नहीं, उन्हीं की सेना थी। हाँ। बालाजी सरकार की जय। हमारा वाईफाई बहुत स्ट्रांग है, वहीं से जुड़ा है जहाँ से तुम जुड़े हो। सच में बहुत प्यारे हो, बहुत आशीर्वाद। धाम भी आना बागेश्वर, बालाजी करेंगे, हम आएंगे पक्का। खुश रहो। नहीं आपको आना ही है। हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का, खुश रहो। प्रसाद अच्छा, माला हाँ, स्वीकार करो बस। अरे सीताराम जय हो, जय हो, बस 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 जय हो। जय हो बहना। माइक लें, कहाँ से हैं? मैं भरूच से हूँ, भरूच से, भृगु ऋषि हाँ की भूमि से, भरूच से हूँ। मैं आपके दरबार सूरत में भी आई थी। अच्छा। हाँ जी। सूरत में नहीं मिल पाए क्या? हाँ जी। मिले सूरत में? नहीं। अरे बहुत समुदाय वहाँ भी था जितना यहाँ है। हाँ। ठीक वैसे ही था। कोई बात नहीं। भरूच, आप मानती हैं कोई बिना बताए पहले से लिख दे? हाउ पॉसिबल आज के विज्ञान के जमाने में? मुझे भगवान पर भरोसा है। वाह। हनुमान जी पे भरोसा है। वाह। मैं पहले से ही हनुमान जी को बहुत मानती हूं। चलो प्रश्न करो, क्या प्रश्न है आपका? बस दिल से आज, बहुत दिल से आज आपको मिलने की, आशीर्वाद लेने की बहुत इच्छा थी और मान मिला। कुछ और चाहते हैं बालाजी से? बस हमेशा उनकी भक्ति में लगी। पढ़िए, हमने भी इतना ही लिखा। भक्ति मार्ग में जाना चाहती हैं, साधना केवल चाहती हैं, कोई भी प्रश्न नहीं बोलेंगी और कृपा होगी और स्वास्थ्य संबंध भी आशीर्वाद है। क्या बताइए, एकदम सही? सही है अक्षरशः एकदम।
और अभी जस्ट वहाँ पर हम लोग, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड, हम लोग 5 जन साथ में आए हैं। उन्होंने बोला कि अगर तेरी, अगर तू वहाँ पर पास में जाएगी ना तू, तो सबको हमें बालाजी बागेश्वर तेरी तरफ से ले जाना। और मैंने तुरंत ही, अरे बस इतनी सी बात बोली, मैं बिल्कुल ले जाऊंगी, सबको ले जाऊंगी। और प्रभु जी इतनी क्षमता देना, मतलब मैं किसी को ना नहीं बोल सकूं घर में भी, कि भाई बस मेरे सभी बहन के बच्चे, मेरे खुद के कोई बच्चा नहीं है, बट मेरे सभी बच्चे मेरे ही है जी बहन, बट सबको मेरे से बहुत आशा है कि मैं सबको, सबकी आशा पूरी कर सकूं। सबको लेकर चलें, देवी साधना भी थोड़ा करें, क्योंकि उसमें आपका बीच में रुचि बनी थी, ठीक है? तो बालाजी शिव साधना के साथ देवी साधना भी करें, जो कृपा होगी बागेश्वर धाम सबको लेकर आ जावे। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल, तो अब तभी नीचे ही, अब भी जस्ट प्रॉमिस किया है, मैं सबको लेकर आऊंगी। स्वागत है, बहुत मंगल होगा। आ जाइए भगवान, यो टी शर्ट वाला बालक, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आप बेशी जाओ, पहले इनका बेशी जाओ, तुम्हें चलो। कहाँ से आए हैं? बड़ौदा से, वागोड़िया रोड। बड़ौदा में कहाँ रहते हैं आप? वागोड़िया रोड। वागोड़िया रोड पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आए। आप मानते हो कोई पहले से लिख ले, या ऐसा किसी को पता ना हो, लाखों लोगों में से उठा ले? हाउ पॉसिबल? नहीं, भगवान पे ट्रस्ट करते थे, भगवान पे। साधु जी, हमने लिखा जो हमें उनकी आज्ञा लगी, आप अपने प्रश्न को बोलिए। हम दो भाई मिलके बिजनेस करते हैं, उसमें हम अच्छी प्रगति चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारा आयुर्वेदिक का बिजनेस है, हम लोगों का आयुर्वेदिक दवाई का औषधि का और हम लोगों को, मतलब उनके और कोई प्रश्न? और माताजी की तबीयत थोड़ा सा पैर में उनको दर्द, जीवन उन्नत होगा, दवा का काम है। जो प्रश्न लेकर आए तेज चलेगा, शुभ समय 2024 9 मई के बाद आप समाज सेवा भी करेंगे, माँ के घुटने ठीक हो जाएंगे। जय सीतारा। डेट सहित आया है, माइक से पढ़ लिया बराबर? यस बराबर, 100% ट्रू। जय सीताराम। सूजन है माँ के घुटनों में, yes. दर्द असहनीय है, yes. उठ बैठ नहीं पाती, yes. विटामिन की कमी, वह घिस गए हैं। डॉक्टरी भाषा अनुसार बालाजी कृपा करेंगे, समाज सेवा करना चाहते हैं, yes. एक नई खोज दवा की करना चाहते हैं, yes. कैंसर पर, अथवा फिर आप जो है ल्यूकेरिया पर काम करिए, yes. तो उसके लिए आप बहुत आगे भी बढ़ेंगे और आपके द्वारा एक नई चीज़ भी हमारे समाज को होगी। अगर उसके लिए हमारी साधना शक्ति की आवश्यकता पड़े तो आप बागेश्वर धाम आकर के हमसे मिल सकते हैं। जय सीताराम। बागेश्वर धाम पेशी करनी है, उन्हीं पेशी के प्रभाव से आपके काम सफल होंगे। जो तारीख दी वो कटेगी नहीं। जय सीताराम। उठिए साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, राम नाम भगवान की, गौ माता की। हाँ, इसके बाद में सफ़ेद जी जी बहन माँ आओ, इसके बाद अगला आदेश सुनिए। यहाँ एक बालक बैठा है, राम साधु जी, ये कोई ना चलने वाला एक बालक बैठा है यहाँ की अर्जी स्वीकार हुई, जो चल नहीं पाता, उनके साथ में कोई है? हाँ जी, हाँ, जो छिपे हैं क्या? हाँ, टोपी है क्या? उसके माथे पर टोपी हो है? आ जाइए। माइक लीजिए, उस तरफ देखिए। हाँ बुला लीजिए, भगवान आ जाओ साथ में।
से दिल्ली गया पढ़ने, मैं तो यहाँ बड़ौदा में बाजार में, एक मिनट बड़ौदा में बाजार में हम लिख लें, मेरा बच्चा मेरा सब कुछ बर्बाद, सब कुछ लूट गया, मैं सब कुछ लूट गया, देखो क्या हालत हो गई, जवान से बुढ़े हो गए, मेरी बेटी के 11 साल बाद आया, मेरी एक बेटी है उसकी 11 साल बाद हुआ, बड़ी कठिन में लाई लड़का, दुनिया जो एक कर दिया तब लाई लड़का, क्या हो गया, दिल्ली गया पढ़ने, मैं कहा नहीं तुझे अभी नहीं भेजूंगी, फार्मा किया उसने, मैंने कहा नहीं भेजना मुझे तो जबरदस्ती नहीं, मैं तुमसे अलग रहूंगा जब तू सीखूंगा तुम्हारी लाड़ में, तो अलग तो वो गया कॉलेज में जा रहा, मेरी लड़की दिल्ली में रहती है वो पढ़ाई कर रही है, और कॉलेज में जिस कॉलेज में ये सोनीपत में था ना, सोनीपत में कॉलेज था, 2 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, तो सोनीपत से सैटरडे संडे दिल्ली दीदी के पास आ जाता, तो सैटरडे की रात रहा, संडे को 3:30 बजे उसके पास से निकला है, कॉलेज में गेट पर पैर रखा है, गेट के अंदर घुसा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे बच्चे नीली नीली आंखें, फॉरनर बच्चा था, अंग्रेज कैसे सुंदर, मेरे मोबाइल देखो, अंग्रेज कैसे सुंदर बच्चे, जिसको मैंने 11 साल बाद लाई बेटी के 11 साल बाद, मैंने कहा मेरे सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, या तेरे लड़का नहीं है, मैंने कहा मैं जान पर खेल जाऊँगी, लड़का ही लाने साल का 19 साल का अभी मैं तो फोन आया अभी 11 सितंबर की रात 7:30 बजे हमारे पास तो सिर्फ ये फोन आया फ्लाइट पकड़ लो, तबीयत खराब है, हमको भी नहीं मालूम, मैडम ने बोला हम भी दिल्ली से पहुंच रहे हैं, हमें भी कुछ नहीं पता, वो दिल्ली से वो भी गई, हमको फ्लाइट ही नहीं मिली, हमको किसी को फ्लाइट ही नहीं मिले, सब रास्ते बंद, कारण भर जानना है आपको, कारण जानने आए हम, अबंद मेरे को सबने बोला है, पंडित ने सबने कि वो बच्चा है मेरे, मैंने प्रेगनेंसी ली है अब, क्योंकि सब मेरी मम्मी को भी सब, चलो अब आप पहले रोना दोनों बंद करो, आप उसको लौटा के चाहते हैं, हम पहले आप माइक ले, रोना बंद करो, बहुत गंभीर हो जाए, अब जो बीत गया सो बीत गया, अच्छा इसमें घटना की जो मृत्यु है उसकी तारीख भी इसमें लिख कर आई, कौन सी दिन, अच्छा हमने ऐसा लिखा, बहुत बड़ी आफत हो गई, बेटा को तंत्र विद्या पढ़ने के कारण उसके हार्ट में समस्या व नीला पड़ गया, स्टाई डिप्रेशन ब्रेन में बनाया, वह शरीर एक ही बेटा था जिसका शांत हो गया, 11 तारीख को चिंता ना करें, मारण विद्या प्रयोग की गई थी, जो लौट तो नहीं सकता है, सक सत्य है, लेकिन अभी आप गर्भवती हैं, वही लौट कर आएगा, बस 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 रोइए मत, आप रो मत माँ, मेरी बेटी का सगाई हुआ, बेटी का सगाई अभी, आप पहले रो मत, पहले तो वो करी नहीं रही थी सगाई, जब ये बच्चा चला गया मैंने कहा मेरा उससे सपने थे वो तो गया, अब तुझे करना है कि नहीं, बोलती है मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, पीर मारण विद्या थी, किसी देखी है भगवान जाने पर की है, मुझे बस वही पूछना है किसने किया, तो अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपने वैज्ञानिक पद्धति से लिया है, आपने वैज्ञानिक पद्धति से गर्भ धारण करवाया है, ठीक है, गुरु जी कह रहे हैं कि आप धाम पहुंचो और जाओ, चिंता ना करो, आप दोनों रोना बंद करो, इसका सत्य की जीत होगी, और एक संकेत से हम आपको सावधान करेंगे, लेकिन आगे हमें आज्ञा नहीं लगी बताने के, कोई बात नहीं, हाँ वो भी हम बताते हैं, लेकिन ये बात यहीं तक सीमित रखना, हम आगे तो हमें आज्ञा नहीं लगी, जितनी लगी हम उतना आपको बता देते हैं, परिवार की ही करवाया गया, अब ये भगवान जाने, ये तो हमें आज्ञा नहीं लगी है, किसी कारण बस आपके लिए आज्ञा नहीं लगी, नहीं माँ लगेगी उचित तो हम बताएंगे, हमें जितनी आज्ञा लगी हम उतनी ही चर्चा करें, क्योंकि अभी आप टेंशन में, अभी कोई भी बात बोलेंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा, उचित लगेगा तो हम आपको बताएंगे, पेशी करना प्रारंभ कर दें, तंत्र कटवा देंगे, बच्ची की स्वास्थ्य पर प्रयोग है, इनको भी स्ट्रेस है, इनको भी स्वास्थ्य पर प्रयोग है, घर पर भी भयावह डर बनाए हुए हैं, पूरे परिवार को उठा पटक वही किए हैं जी, वो हम करवा देंगे उपाय जी, ठीक हो जाए मिट्टी घर पर, आपको एक अखंड रामायण का पाठ और तुरंत बागेश्वर धाम, बालाजी करुणा करेंगे, बालाजी करुणा करें,
आशीर्वाद। ठीक है अब आप चलो, एक बार लेवा लाना, लेवा लाना, केवल तंत्र का ही कारण, उनको भी बहन को भी। कोई बात नहीं, आप रोना, स्ट्रेस छोड़ो, अब नहीं होगा कुछ, इतना कह सकते हैं हम। आपकी बेटी को बाल बांका नहीं होगा, तंत्र से तो नहीं होगा। जाओ कोई बात, ठीक है अब आप धाम आ जाइए, आशीर्वाद। बालाजी आज से कृपा करेंगे, आप अखंड रामायण अमावस्या को करवा दीजिए, अखंड रामायण, ठीक है, वहाँ समझ लो पंडित जी से। आइए इनके साथ में जो है वो आओ, जय नहीं दूर से माँ, नहीं माँ हमारा नियम, आशीर्वाद हमारा, बालाजी मंगल करें।